हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आवर लेसन नंबर 10, ह्यूमन सेटलमेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट अर्बन सेटलमेंट्स। रैपिड अर्बन ग्रोथ इज ए रीसेंट फिनोमिना। अंटिल रीसेंट टाइम्स फ्यू सेटलमेंट्स रीच द पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन ए फ्यू हंड्रेड इनहेबिटेंट्स। The first urban settlement to reach a population of 1 million was the city of London by around AD 1810. By 1982, approximately 175 cities in the world had crossed the 1 million population mark. So, urban settlement ke point of view se agar dekhen, to लंदन फर्स्ट सिटी था जिसने 1 मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस की थी 1810 में, और 1982 तक 175 सिटीज़ हो गए थे जिन्होंने 1 मिलियन पॉपुलेशन मार्क को टच किया था। प्रेजेंटली 48% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन सेटलमेंट्स compared to only 3% in the year 1800. So presently अगर अपने देखें तो approximately 48% जो population है world की population वो urban area में रहती है, urban settlements में वो रहती है, जबकि 1800 year में अपने देखें तो उस time में सिर्फ 3% population थी जो अर्बन एरिया में रहती थी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो जो अर्बन सेटलमेंट की जो डेफिनेशन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, मतलब ऐसा है कोई एग्जैक्ट कोई ऐसा एक पैरामीटर नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाए कि ये अर्बन पॉपुलेशन है या रूरल पॉपुलेशन है। सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। कुछ एक कॉमन जो आइडियाज़ लिए गए हैं जिसके बेस के ऊपर में हम अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, पॉपुलेशन साइज के बेस में, वहाँ की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे, और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसके बेस के ऊपर में हम अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉपुलेशन साइज, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन अर्बन एरियाज। सो जो पॉपुलेशन साइज है वो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बेस के ऊपर में नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वो अर्बन और रूरल एरिया को डिफाइन करते हैं। द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर ए सेटलमेंट टू बी डिजाइंड एज अर्बन इज 1500 इन कोलंबिया, 2000 इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल, 2500 इन यूएसए एंड ट्रिनिडाड, 5 USA एंड थाईलैंड, 5000 इन इंडिया एंड 30,000 इन जापान। सो अब जो एक लोअर लिमिट जो बनाई गई है या डिसाइड किया है अर्बन सेटलमेंट के लिए, वो कोलंबिया अगर कंट्री को देखें तो वहाँ पे 1500 की अगर पॉपुलेशन हो जाती है तो हम उसको अर्बन पॉपुलेशन में काउंट कर लेते हैं, उसको अर्बन एरिया में काउंट कर लेते हैं। अर्जेंटीना और पुर्तगाल के लिए 2000 पॉपुलेशन साइज को एक बेंचमार्क रखा गया है। यूएसए और थाईलैंड के लिए 2500 की पॉपुलेशन को एक बेंचमार्क रखा गया है। इंडिया में अगर देखा जाए तो 5000 की पॉपुलेशन, और जापान में अगर देखा जाए तो 30,000 की पॉपुलेशन को हम लोग अर्बन सेटलमेंट की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। बिसाइड्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ 400 persons पर स्क्वायर किलोमीटर एंड शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर नॉन
आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन इंडिया। अब अगर इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी को भी एक बेंचमार्क रखा गया है। अगर पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन अगर 400 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर है और वहाँ पर जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मीन्स सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में वहाँ की पॉपुलेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके बेस के ऊपर में इसको क्लासिफाई किया जाता है। कंट्रीज़ विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मे चूज़ ए लोअर नंबर एज द कट ऑफ फिगर कंपेयर टू डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़। सो जो कंट्रीज़ जिनकी पॉपुलेशन लेस पॉपुलेशन है वो अगर देखा जाए जैसे इंडिया में 400 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी को हमने एक पैरामीटर माना है, सो जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन साइज़ कम है तो वो कंट्रीज़ उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी का कट ऑफ है उसको भी वो लोग डाउन कर देते हैं। इन डेनमार्क स्वीडन एंड फिनलैंड ऑल प्लेसेस विद द पॉपुलेशन साइज ऑफ 250 पर्संस आर कॉल्ड अर्बन। अब अगर डेनमार्क स्वीडन और फिनलैंड की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 250 पर्संस है तो भी उसको अर्बन एरिया में कंसिडर करते हैं। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर ए सिटी इज 300 इन आइसलैंड। सो आइसलैंड के अंदर में 300 पर्संस की डेंसिटी को एक बेंचमार्क माना गया है। वेयर एज इन कैनेडा एंड वेनेजुएला इट इज़ 1000 पर्संस। अब कैनेडा और वेनेजुएला को अगर अपने देखें तो वहाँ पे 1000 पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर को भी उन्होंने अर्बन एरिया की कैटेगरी में रखा है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एडिशन टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन प्रेजेंटिंग ए स्टेट सेटलमेंट्स एज अर्बन आर ऑल्सो टेकन एज क्राइटेरियन। अब वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने पॉपुलेशन साइज के अलावा वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी एक क्राइटेरिया रखा है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अर्बन और रूरल पॉपुलेशन को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिलरली इन इटली ए सेटलमेंट इज़ कॉल्ड अर्बन इफ़ मोर देन 50% ऑफ इट्स इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स। अब अगर इटली का एग्जांपल देखें तो अगर वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 50% अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन का मोर देन 50% अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको जो है अर्बन एरिया की कैटेगरी में मान लिया जाता है। इंडिया हैज़ सेट दिस क्राइटेरिया एज 75%। सो इंडिया में अगर इस क्राइटेरिया की बात करें तो उसको 75% पे रखा गया है। मतलब अगर 75% पॉपुलेशन अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व है तो हम पर्टिकुलरली उस एरिया को अर्बन एरिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज ए क्राइटेरियन फॉर क्लासीफाइंग ए सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्रीज़। अब कुछ एक कंट्रीज़ के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भी एक क्राइटेरिया रखा गया है जिसके बेस के ऊपर में हम लोग अर्बन और रूरल सेटलमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया ए सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज क्लासिफाइड एज अर्बन इफ इट हैज़ ए म्यूनसिपैलिटी कंटेनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया काउंसिल। अब अगर इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया के किसी भी एरिया में अगर म्यूनसिपैलिटी है कंटेनमेंट बोर्ड है या नोटिफाइड एरिया काउंसिल है तो उसको हम लोग अर्बन एरिया की कैटेगरी में काउंट करते हैं। सिमिलरली इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सच एज ब्राज़ील एंड बोलीविया एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज कंसिडर्ड अर्बन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन साइज। सो अगर
लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जैसे ब्राज़ील और बोलीविया की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है तो उसको भी अर्बन एरिया की कैटेगरी में उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ लोकेशन। लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स इज़ एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल द सिटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए हॉलीडे रिसोर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन, ए मिलिट्री सेंटर और ए सी पोर्ट। सो अगर ये देखा जाए, अगर एक एग्जाम्पल लें फंक्शंस के बेस के ऊपर में उस पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन किस तरीके की होगी, तो उसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे अपने अगर एक हॉलीडे रिसोर्ट को देखें सो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू इंडस्ट्रियल टाउन, मिलिट्री टाउन और सी पोर्ट टाउन। स्ट्रेटेजिक टाउन्स रिक्वायर साइट्स ऑफरिंग नेचुरल डिफेंस। जैसे अगर अपने बात करें स्ट्रेटेजिक टाउन की, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी साइट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वहाँ पे नेचुरल डिफेंस के जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपने हिस्ट्री में देखें तो जितने भी फोर्ट जो बनते थे वो माउंटेन एरिया में बनते थे, जनरली ट्राई किया जाता था कि किसी हिल या अपलैंड के ऊपर में ही जो है वो फोर्ट को बनाया जाए ताकि उनको नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड किया जा सके। माइनिंग टाउन्स रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स। अब अगर माइनिंग टाउन अगर किसी एरिया में है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वहाँ पर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्सिस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल टाउन्स जनरली नीड लोकल एनर्जी सप्लाईज और रॉ मटेरियल्स। अब अगर इंडस्ट्रियल टाउन की बात करें तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी कि उसको लोकल में एक एनर्जी सप्लाई होती रहे रेगुलरली और उसको रॉ मटेरियल उसको मिलता रहे, तो वो जो टाउन है वो एक इंडस्ट्रियल टाउन के तरीके से वो जो है वो डेवलप हो जाएगा। टूरिस्ट सेंटर्स रिक्वायर्स अट्रैक्टिव सीनरी और ए मैराइन बीच। अब अगर टूरिस्ट सेंटर की अपने बात करें तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वहाँ की अट्रैक्टिव सीनरीज होनी चाहिए, जैसे शिमला, मनाली या ये जो सिटीज़ हैं यहाँ की, क्योंकि हिल एरिया में है तो यहाँ की सीनरी अट्रैक्टिव है सो लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, मैराइन बीच भी हो सकते हैं जहाँ की वो जो एरिया है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे। ए स्प्रिंग विद मेडिसिनल वाटर और हिस्टोरिकल रेलिक्स, पोर्ट्स रिक्वायर ए हार्बर। सो अब ये चीज़ें हैं, अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर को अगर हमने डेवलप करना है तो उसी तरीके की रिक्वायरमेंट का भी वहाँ पे फुलफिल होना ज़रूरी है। लोकेशंस ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्टाइल लैंड। अगर अर्लियर अर्बन सेटलमेंट की अगर अपने बात करें सो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता था कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल होने चाहिए और पर्टिकुलर उस एरिया की सॉइल जो है वो फर्टाइल होनी चाहिए ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर का बिजनेस करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सके। टुडे व्हाइल दीज कंसिडरेशंस स्टिल रिमेन वैलिड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन लोकेटिंग अर्बन सेटलमेंट्स फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ दीज मटेरियल्स। अगर करंट डेट की अपने बात करें या इस जो अभी जो सिनेरियो है या अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज ने डेवलप कर लिया है सो वहाँ पर ये हो सकता है कि अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो भी वहाँ पे अर्बन एरिया सेटलमेंट्स हो सकता है, अगर बिल्डिंग मटेरियल नहीं है तो भी वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट्स हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जो है वो रिसोर्सिस को हम कहीं से इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, कहीं से हम उनको उन सारे के सारे जो भी हमें रिसोर्सिस चाहिए, वाटर चाहिए या बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, तो वो हम कहीं ना कहीं से हम लोग इम्पोर्ट करके भी ला सकते हैं। पाइप्ड वाटर कैन बी सप्लाइड टू ए डिस्टेंट सेटलमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज। सो अब क्योंकि टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई है सो हम पाइप्स के थ्रू किसी भी एरिया में हम लोग वाटर सप्लाई कर सकते हैं और बिल्डिंग मटेरियल्स को भी, क्योंकि डे बाय डे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वो भी इम्प्रूव हो रही है, तो किसी भी एरिया में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल जितना भी है उसको भी हम लोग अवेलेबल करवा सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम साइट द सिचुएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स द अर्बन सेंटर्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हैव एक्सपीरियंस्ड रैपिड डेवलपमेंट। सो अब अगर ये देखा जाए कि अर्बन एरिया सेटलमेंट जो होते हैं वो उनमें क्राइटेरिया ये भी होता है अर्बन सेटलमेंट के लिए कि अगर वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पर अगर वो लोकेटेड है तो वो भी उनमें भी एक जो है डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। द अर्लीस्ट टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड इंडस्ट्री डिफेंस एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। सो अगर अर्लियर जो टाउन्स जो सेंटर्स जितने भी डेवलप हुए थे वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखते थे। द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफेंस एंड रिलीजन एज डिफ्रेंशिएटिंग फंक्शंस हैज डिक्लाइन इन जनरल बट अदर फंक्शंस हैव एंटर्ड द लिस्ट। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि रिलीजियस और जो डिफेंस के बेस के ऊपर में जो था वो क्लासिफिकेशन जो था वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया और जनरली जो फंक्शन के बेस के ऊपर में जो टाउन्स थे वो क्लासीफाई होना स्टार्ट हो गए थे। टूडे सेवरल न्यू फंक्शंस सच एज रिक्रिएशनल, रेजिडेंशियल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट रिसेंटली एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर कैरिड ऑन इन स्पेशलाइज्ड टाउन। अब अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें तो कुछ एक न्यू फंक्शंस भी उसमें ऐड हो गए हैं, जैसे रिक्रिएशनल टाउन्स बन गए, रेजिडेंशियल इम्पोर्टेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के बेस के ऊपर में भी अब जो है वो स्पेशलाइज्ड टाउन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। सम ऑफ दीज फंक्शंस डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर द अर्बन सेंटर्स टू हैव एनी फंडामेंटल रिलेशनशिप विद देयर नेबरिंग रूरल एरिया। अब कुछ एक फंक्शंस ऐसे हैं जिनको ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए नेसेसिटी नहीं है कि वो अपने फंक्शन को प्रॉपर मैनर में चलाने के लिए उनका सराउंडिंग के जो रूरल जो नेबरिंग एरिया है उनके साथ में उनका रिलेशनशिप रहे, अब ये मैंडेटरी नहीं रहा है। इन स्पाइट ऑफ टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस वी रेफर टू देयर डोमिनेंट फंक्शन। अब जनरली क्या होता है कि टाउन में बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं बट कुछ एक टाउन्स को हम लोग उनके डोमिनेंट जो फंक्शंस हैं उनके बेस के ऊपर में भी हम उन टाउन्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी थिंक द शेफील्ड एज एन इंडस्ट्रियल सिटी, लंदन एज पोर्ट सिटी, चंडीगढ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी एंड सो ऑन। सो अगर इस तरीके से देखें जैसे लंदन है उसको हम लोग एक पोर्ट सिटी की फॉर्म में हम उसको देखते हैं, चंडीगढ़ जो है उसको हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी की फॉर्म में हम उसको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि लंदन, चंडीगढ़ या जितने भी सिटीज़ हैं उनमें अदर कोई फंक्शंस नहीं होते, अदर कोई वर्क उनमें नहीं होते, होते हैं बट अब एक स्पेशलाइज वर्क के बेस के ऊपर में भी हम उन सिटीज़ को अब देखने लगे हैं। लार्ज सिटीज़ हैव ए रेदर ग्रेटर diversity of functions beside all cities are dynamic and over a period of time may develop new functions. Most of the early 19th century fishing ports in London have now developed tourism. So ऐसा नहीं है कि सिटी जो है उनमें वो क्योंकि traditionally जो उनमें work होते थे time to time अब वो जो सिटीज़ हैं उनमें न्यू फंक्शंस भी ऐड होने लग गए। जैसे अगर देखा जाए कि 19th सेंचुरी के अंदर में अगर अपने ये देखें इंग्लैंड को एक फिशिंग पोर्ट के फॉर्म में उसको याद रखा जाता था बट अभी वो एक न्यू टूरिस्ट स्टेशन या टूरिस्ट सिटी के तरीके से भी वो टाउन जो है वो डेवलप हो गया है। मैनी ऑफ द ओल्ड मार्केट टाउन्स आर नाउ नोन एज मल्टी फंक्शनल
नाउ एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। सो स्टार्टिंग में अगर देखा जाता था कि अगर हम ओल्ड टाउन को देखें तो वो मार्केट टाउन्स होते थे, लेकिन अभी उनको एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के रूप में भी उन सिटीज़ को देखा जाता है। टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, नेशनल कैपिटल्स विच हाउस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज न्यू दिल्ली, कैनबेरा, बीजिंग, एडिस अबाब, वॉशिंगटन डीसी एंड लंदन एक्सेट्रा। सो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में जनरली नेशनल कैपिटल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की कैटेगरी में रखा जाता है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के हाउसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे न्यू दिल्ली, कैनबेरा, बीजिंग, अदीस अबाब, वॉशिंगटन डीसी, लंदन एक्सेट्रा। ये सिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन का एग्जांपल है एंड दे आर कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। प्रोविजनल टाउन्स कैन ऑल्सो हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, फॉर एग्जांपल विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बेनी न्यूयॉर्क एंड चेन्नई तमिलनाडु। सो अब ये हो सकता है कि कुछ जो स्टेट के जो सिटीज़ हैं वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव या सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी वहाँ पे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो भी अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन्स सच एज विनपेग एंड कंसास सिटी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक फ्रैंकफर्ट एंड एम्स्टर्डम, लार्ज इनलैंड सेंटर्स लाइक मैनचेस्टर एंड सेंट लुइस, एंड ट्रांसपोर्ट नोड्स सच एज लाहौर, बगदाद एंड आगरा हैव बीन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। सो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो ट्रेडिंग और कमर्शियल टाउन्स के कैटेगरी में इनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज कल्चरल टाउन्स, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी एंड वाराणसी एक्सेट्रा। अब कुछ एक टाउन्स हैं जो कल्चरल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे जेरूसलम हो गया, मक्का हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया और वाराणसी हो गया, हरिद्वार है, इस तरीके से ये टाउन्स जो है ये अपनी एक कल्चरल इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो दे दीज सिटीज आर कंसिडर्ड एज कल्चरल टाउन्स। दीज अर्बन सेंटर्स आर ऑफ ग्रेट रिलीजियस इम्पोर्टेंस, एडिशनल फंक्शंस विच द सिटीज परफॉर्म आर हेल्थ एंड रिक्रिएशन लाइक मियामी एंड पंजी। इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पिट्सबर्ग एंड जमशेदपुर, माइनिंग एंड क्वेरलिंग में ब्रोकन हिल्स एंड धनबाद, और ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंगापुर एंड मुगलसराय। सो इन सेंटर्स को भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया की फॉर्म में इनको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को अपने कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।